गाइस मतलब ये देखिए रसगुल्ला टाइप का है, मतलब बहुत टेस्टी है, बहुत विटामिन का चीज है, तो इसको खा। ओ माय गॉड भाई साहब, देख सकते हैं इधर फीता मतलब पेड़ और इधर से मतलब बेटे थे, बहुत रेशमय चीज है। और एक चीज गाइस देख सकते हैं इधर लौकी का दो टुकड़ा दो पत्थर हो गया है। तो हे गाइस, आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत मतलब खतरनाक जगह जाने वाले, मतलब कुछ मतलब अमेजिंग जगह जाने वाले हैं, सबसे अलग मतलब हर दिन से मतलब अलग ब्लॉक होगा, जहाँ मतलब राम सीता मंदिर कुछ मतलब निशानी है उधर आपको दिखाएंगे। कभी भी कोई भी नहीं देखे हैं, लेकिन हम ही मतलब वीडियो बना रहे हैं, तो इस नज़र को जरूर देखना, जरूर वॉच करना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। चलो आज के वीडियो को स्टार्ट। Days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the. तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए, मतलब जो बोल रहे थे आप लोग को कुछ स्पेशल जगह दिखाएंगे आप लोग को, तो अभी पहुंचने वाले हैं और आपको दिखाने वाले कुछ अमेजिंग, मतलब हर दिन की तरह मतलब कुछ एक ही नहीं दिखाएंगे, कुछ अलग करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर वॉच करना, और आज पूरा रोमांचक चीज़ दिखाने वाले हैं आपको। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए, जो जगह आपको दिखाने वाले थे उस जगह पहुंच गए, मतलब तृतीय युग में जो राम लखन सीता वनवास जा रहे थे उस वक्त, मतलब शाम हो गया उस वक्त इधर बैठे थे, उनका बैठने का मतलब इधर निशानी रह गया, तो वो सब दिखाने वाले हैं। बहुत लोग मान्यता रहता है, बहुत मतलब इधर का लोग बहुत अच्छा तरह मानते हैं, तो वो जगह आपको दिखाने वाले हैं अभी। तो देखिए इधर से, तो फाइनल गाइस देख सकते हैं सीता माता का पैर का निशानी, इधर सीता माता बैठे थे और इधर पैर रखे थे, तो पैर का निशानी इधर हो गया। अब कोई हर कोई मतलब रामायण तो देखे ही होंगे, राम लक्ष्मण सीता जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे उस वक्त का ये निशानी है। उस वक्त जा रहे थे, उस वक्त शाम हो गया, इसलिए सीता माता इधर बैठी थी और उनका पैर का निशानी और बैठने का निशानी, और ये देख सकते हैं बाल, मतलब ये सीता माता का बाल कहते हैं, कहा जाता है। इधर जितना भी आंधी तूफान बाढ़ जो भी आ जाए, मतलब जो भी आने से भी ये मतलब बाल नहीं मतलब हटता है, ये हम लोग की भाषा में काशी बोलते हैं, ये काशी हो गया है बाल सब। देख सकते हैं नदी का अंदर है, फिर भी बाढ़ तूफान में कुछ भी मतलब तूफान आधी तूफान में कभी भी गायब नहीं होता है और कभी भी मरता भी नहीं है, हर वक्त ऐसा ही रहता है। तो इसका इनका मान्यता है कि ये सीता माता का बाल है और निशान भी बहुत मतलब अच्छी तरह से दिख रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से ये रियली है। और गांव का हर कोई बूढ़ा बूढ़ी लोग हर कोई पूछे हम लोग, तो रियली बताया कि ये रियली है। और आप इसको देख के आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना गाइस। तो गाइस जहाँ पर सीता माता बैठे थे और जहाँ पर निशानी है उसका लोकेशन देख सकते हैं, ऐसे ही कुछ रोमांचक, और इधर का लोकेशन देख सकते हैं। हम लोग कटिंग लोग इधर आए हैं वीडियो बनाने के लिए, और भी आपको दिखाने वाले हैं मंदिर क्या पर है, और मतलब लौकी और बाइकी ना क्या बोलते हैं जो वो मतलब लौकी को काटते हैं, वो चीज़ भी इधर मतलब रह गया है निशानी, तो उसको भी दिखाने वाले हैं आपको। तो वीडियो पर पूरा फिल जरूर वॉच करना। तो गाइस देख सकते हैं मतलब जो सीता माता को बैठे थे उधर का ऊपर के भाग है, और इधर पिकनिक भी करते हैं, देख सकते हैं पूरा आम भी भरा पड़ा है, मतलब आम भी बहुत ज़्यादा इधर, और इधर पिकनिक भी करते हैं 1 तारीख में, देख सकते हैं लोकेशन कुछ ऐसा है। और इधर हम थोड़ा आम खाने वाले हैं, उसके बाद मंदिर की तरफ जाएंगे, और जहाँ पर लौकी और बाइकी या क्या बोलते हैं आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, उधर मतलब लौकी कटा गया था, मतलब दो टुकड़ा किया गया था, उधर भी दिखाएंगे आपको। और इधर देख सकते हैं आम भरा पड़ा है हर जगह, और आम खाने वाले थोड़ा सा, और इधर से निकलेंगे। तो है गाइस अभी आपको दिखाने वाले हैं, मतलब लौकी को इधर काट के छोड़ दिए थे देवता लोग, जो मतलब भगवान होते हैं, इधर से गैर जा रहे थे, और रात हो गया जब उस वक्त मतलब इधर लौकी को काट करके उधर छोड़ दिया, मतलब पत्थर हो गया है, पूरा बड़ा सा पत्थर हो गया है, तो उसको दिखाने वाले हैं। इस नदी में है देख सकते हैं, अभी जाएंगे उधर आपको दिखाएंगे लौकी कितना मतलब बड़ा है और कैसे काट के छोड़े थे जो देवता लोग हैं भगवान मतलब। चलो दिखाते हैं आपको। तो गाइस लौकी को देख सकते हैं, मतलब इधर से काटा हुआ लौकी है, उधर एक तो है और इधर एक तो है, देख सकते हैं। और इधर मतलब जो काटते हैं वो चीज़ क्या बोलते हैं, मैंने सोचा मैंने मेरे को पता है बाइकी बोलते हैं क्या बोलते हैं आई डोंट नो हिंदी में, लेकिन इधर नीचे देख सकते हैं नीचे जो है उस मतलब उधर उस चीज़ से काटा गया था। और इधर देख सकते हैं लौकी का कुछ इस भाग कुछ इधर है और आगे वाला भाग पीछे है, तो दिखाते हैं आपको मतलब जैसे पूरा तृतीय युग में मतलब पूरा पुरातन युग में हुआ था ये सब, तो अभी तक मतलब ये यादगार है। और इधर का गांव का लोग सब कुछ मतलब पता है इनको, तो ये कहां पर है बताऊं आपको, ये मतलब ओडिशा का रायरंगपुर ब्लॉक, और इधर जामपोनी बोलते हैं उधर एक गांव में है, तो आप अगर कभी आएंगे तो इधर जरूर देखना है इस नज़ारा से उनको, तो बताते हैं अभी तो अभी देख लेंगे आपको, इधर से देख सकते हैं फिर आप दो भाग इधर से। Just spinning.
ये भी गाइस रियली सीन है, देख सकते हैं इधर एक इधर लौकी है और एक कटा हुआ उधर लौकी है, पूरा लौकी जैसा सेम दिख रहा है क्योंकि रियली चीज है गाइस, देख सकते हैं आप फिर अच्छे से। तो गाइस अभी हम लोग घर जाने वाले थे लेकिन इधर देख सकते हैं बहुत अमेजिंग मेरे को मिल गया, मतलब कभी भी नहीं खाए थे आज खा रहे हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो मेरे को भी नहीं पता है, देखिए मतलब और कमेंट करके जरूर बताना क्या चीज़ है ये अभी हम लोग खाने वाले हैं, देख सकते हैं मतलब अंदर में कुछ मतलब रसगुल्ला टाइप का होता है, गुलाब जामुन का टाइप का होता है, उसको हम खाने वाले हैं, बहुत अमेजिंग है, देख सकते हैं इधर बेचने के लिए लाए हैं और इधर खरीद के हम खा रहे हैं, आपको दिखाते हैं बैक कैमरा से कैसे खाते हैं और क्या चीज़ है, मतलब अंदर क्या चीज़ है आपको दिखाते हैं, चलो वीडियो में। तो गाइस देखो इधर उसको मतलब काट के दिखाओ अंदर क्या है, अंदर का चीज दिखाओ पब्लिक को, अंदर का चीज चाहिए और अंदर में क्या है वो देखने के पब्लिक क्या है, ये देख सकते हैं गाइस मतलब ये देखिए रसगुल्ला टाइप का है, मतलब बहुत टेस्टी है, बहुत विटामिन का चीज़ है, तो इसको खाते हैं, आपको खा के दिखाएंगे हम लोग, देख सकते हैं बहुत मतलब अमेजिंग है गाइस। अच्छा मैंने काटा, चलो खाते हैं आइडिया रखो। तो गाइस देखते हैं इसको ऐसे काटा जाता है और अंदर का कुछ रसल मतलब तो गाइस देखते हैं इस चीज़ को खाते हैं, मतलब इस मतलब अंदर इस चीज़ निकला और इसको खाने वाले हैं, देख सकते हैं बहुत टेस्ट है मेरे ख्याल से, नारियल जैसा लग रहा गाइस, अभी आए अब कभी हम लोग की तरफ आएंगे तो खाएंगे जरूर, बहुत टेस्ट है। तो गाइस सब कुछ हो गया, देख सकते हैं हम लोग मतलब सब कुछ दिखा दिए और इधर झड़ेसर महादेव मंदिर कहते हैं, इसका वीडियो स्पेशल आएगा, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मतलब इस वीडियो को नहीं देखे तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये जब जो मतलब कुछ आपको दिखाएं मतलब अमेजिंग चीज़ और जहाँ पर सीता माता बैठी थी और जहाँ पर लौकी भाग मतलब कटिंग हुआ है, सब कुछ मतलब सब कुछ का रहस्य इस मंदिर में है, तो इस मंदिर का कुछ गुरुत्वपूर्ण विषय आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि इस वीडियो को हम दिखाने वाले हैं बाद में। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना और शेयर जरूर कर देना सबको, क्योंकि पूरा अमेजिंग चीज़ आपको दिखा दिया, मतलब कोई भी नहीं दिखाया था ये चीज़ तो हम लोग दिखा दिए, तो शेयर जरूर बनता गाइस, तो तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।